हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर दामिनी। तो आज मैं आपके साथ में सार की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मेरी मम्मी के यहाँ पर बनाया जाता है। हर त्यौहार में इसे बनाया जाता है पूरन पोली के साथ में, और साथ ही में मोनालिसा का बर्थडे सेलिब्रेशन भी मैं आज आपको दिखाऊँगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला होगा आज का ब्लॉग, तो बने रहेगा मेरे साथ में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सार के लिए जो भी मसाला लगता है वो अच्छी तरीके से तवे पर जो है वो उसे भून लिया है। ये लगभग 10 से 12 लोगों के लिए आज मैं बनाऊंगी। और ये यहाँ पर है 4 बड़े वाले प्याज मैंने लिए थे। इसे गैस पर जाले रखकर जो हमारा पूरा का पूरा प्याज होता है उसे थोड़ा सा फोड़ के वैसे ही मैंने वो जाली पर जो है वो वहाँ पर भून लिया है। अच्छी तरीके से ब्लैक होना चाहिए। हम जितना भी प्याज ब्लैक करेंगे हमारा सार का कलर जो है वो उतना ही ब्लैक आएगा, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया लगेगा। और साथ में है लहसुन, ये है नारियल, मैंने इसे अच्छी तरीके से कद्दूकस करके तवे पर जो है वो ब्राउन होने तक भून लिया था, क्योंकि वैसे अगर हम अगर वैसा ही नारियल अगर डाल देंगे मिक्सी में तो अच्छी तरीके से बारीक नहीं होता, तो मैंने उसे थोड़ा सा कद्दूकस करके भुना है। और ये है हम पूरन पोली के लिए जो भी चना दाल हम पकाते हैं उसमें से थोड़ी सी एक कटोरी मैंने इस मसाले में हम इस सार में डालेंगे तो वो भी ली है। ये भी थोड़ी सी जो है वो तावे पर मैंने उसे भी थोड़ा सा जो है वो भून लिया है। और ये है सभी प्रकार के खड़ा मसाला, तमालपत्र, दालचीनी, बड़ी इलायची और खसखस वगैरह, मीरा, लवंग, सभी प्रकार के खड़े मसाला जो है वो थोड़े थोड़े से मैंने ले लिए हैं। और ये है साबुत धनिया, वो भी एक चम्मच ली है मैंने। और ये है हरी मिर्च, और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हरी मिर्च डाल सकते हो, जितना तीखा आपको चाहिए उतना। और ये अब यहाँ पर फिर से लहसुन, और ये है धनिया, और ये है नमक। तो अभी मैं ये हरी मिर्च, लहसुन, धनिया जो है हमारे, और ये खड़े मसाले, ये एक बार में मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये तीन प्रकार से हमें अलग अलग पीसने होंगे, तो ये पहले पीस लूँगी अच्छी तरीके से बारीक करके, और फिर इसे निकाल लूँगी और फिर इसमें डाल दूंगी ये चने की दाल, वो भी अच्छी तरीके से पीस लूँगी। और फिर वो निकालने के बाद में फिर डालूंगी उसमें ये नारियल, लहसुन और ये प्याज। तो इसे भी मैं अच्छी तरीके से बारीक पीसने के बाद सभी जो है वो हमें अलग अलग ही रख देना है, क्योंकि जब हम सार को तड़का लगाएंगे तो उसे हमें जो है वो अलग अलग ही भून लेना है, क्योंकि उसकी फिर स्वाद जो है वो अच्छे तरीके से छूट जाता है। तो फिर मैं आपको अभी तड़का लगा के दिखाऊंगी। पहले तो मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर गैस ऑन करके मैं एक छोटा सा पतीला जो है उस पर रख दूँगी। तो इस पतीले में मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया। तो जैसा आपको बताया उसी तीन प्रकार से मैंने मिक्सी में मसाले जो है अलग अलग पीस लिए हैं। तो ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद में मैंने उसमें नारियल और प्याज और लहसुन की जो मिक्सी में पीसा था उसे डाल दिया, और उसमें मैंने फ्रेश करी के पत्ते भी डाल दिए, तो बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो ये नीचे चिपके ना, इस वजह से मैंने लोहे की जो सराटा है मेरे पास में उसे लिया है, और मैं लगातार बार बार इसे चलाती रहूँगी। इसे अच्छे तरीके से भुनने के बाद में ना ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगता है, और ये देखिए तेल छूट रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी मसाले निकाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि पहले से हमने उसमें हरी मिर्च भी डाल दी है। तो बस थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर लूँगी। तो ये है चंदन संगमनेरी झटका मसाला, बड़ा तीखा वाला होता है, तो उसे भी मैं एक चम्मच लूँगी। बड़ा अच्छा स्वाद आता है इस मसाले से, तो मेरी मम्मी हमेशा यूज़ करती है, तो उसे भी मैं एक चम्मच लिया है। तो ये है मेरी मम्मी का घर पर बनाया हुआ गर्म मसाला। तो ये जो सार है वो थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है, तो मैं इसे भी एक चम्मच लूँगी।
तो अभी गैस की फ्लेम मैंने धीमी करी करी हुई है और इसमें सभी मसाले ऐड कर दूंगी और उन्हें अच्छी तरीके से इसमें भून लूंगी ताकि ये सब जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो उस मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद में मैंने गैस की फ्लेम हाई करके उसमें जो है आधा गिलास पानी ऐड कर लिया। तो अभी यहाँ पर बबल्स आने लगे हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास में है चने की दाल पिसी हुई और जो लहसुन हरी मिर्च धनिया वगैरह की जो पेस्ट थी वो मैंने एक साथ मिला ली है। तो इसी तरीके से मिलाकर जो है अब हमें उसमें ऐड करना है। तो ये मैं अच्छी तरीके से प्लेट में मिक्स कर लूँगी। तो जो भी मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ तो मैंने उसे मसाला पीसते वक्त यूज़ किया था, तो बस वो कोई गंदा पानी नहीं है। मसाला पीसने के टाइम जो भी पानी मैंने लिया था तो बस वही पानी है। तो थोड़े से मैंने उसमें मेरा हाथों का चला गया था तो इस वजह से वो पानी वैसा दिख रहा है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे फिर मैं ऐसे ही उस पतीले में डाल दूंगी। तो अभी मैं ये जो है भुला हुआ एक साथ में तो उसमें ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि पहले वाले जो भी मसाले मैंने डाले थे तो वो अच्छे तरीके से उबलने लगे थे। तो उसके बाद ही हमें बाकी के मसाले उसमें ऐड करने हैं। और जो प्लेट है वो भी अच्छी तरीके से धोके में फिर से पानी उसमें डाल दूंगी। तो हमें जिस तरीके से चाहिए उतना हम उसे पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। और तो ये है रोटियों के लिए जो हम आटा गूंथते हैं उसकी जो एक गोला मैंने ले लिया है छोटा सा और उसमें पानी डाल के उसे अच्छे तरीके से इस प्लेट में रगड़ दूंगी ताकि उसका जो है वो आटे का पानी निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छी तरीके से स्मैश करके उसके उसके आटे का पानी हमें जो है वो लेना है। तो ये देखिएगा ये आटे का पानी अभी मैं इसमें सार में ऐड कर दूंगी और आप देख सकते हो मेरे सार का कलर कितनी अच्छी तरीके से आया है। और फिर इसे मैं 5 या 10 मिनट तक तो उबलने दूंगी और फिर हरा धनिया डालने के बाद और हमारा सार जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरे साइड में जो है कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अभी मैं इसमें गेहूँ की कूड़े डाल रही हूँ और उसे अच्छे तरीके से तल के बाजू में निकाल लूँगी। तो ये है चावल की बनाई हुई पापड़ी और मेरी मम्मी जो है वो समर के सीज़न में इसे जो है अपने हाथों से सब कुछ बना कर रख देते हैं क्योंकि हर त्यौहार के लिए चाहिए चाहिए होता है। गेहूं और चावल की पापड़ी तलने के बाद में यहाँ पर मैं जो है गर्मा गर्म भजिया तलने लग गई हूँ। तो बस सार और जो ये तलने का जो काम है वो मैंने किया था। तो ये देखिए मोनालिसा का बर्थडे मेनू। तो ये है गुड़ का बनाया हुआ गुड़वनी और ये है आमरस, ये सार भजिया, नींबू पुरन पोली और चावल और गेहूं की कुड़ई और ये है राइस। तो ये जो गुड़वनी जो है वो पानी और गुड़ मिक्स करके बनाया जाता है। तो अभी जेंट्स का जो है वो खाना हो चुका है और हम सब लेडीज़ यहाँ पर खाना खाने बैठ गई थी। तो मैंने आपको जो अभी गुड़ का पानी दिखाया था तो वो है तो अच्छे तरीके से पानी गर्म होने के बाद में उसमें गुड़ डाल दिया जाता है और जब तक पूरी तरीके से गुड़ पिघला नहीं जाता तब तक उसे गैस पर उबलने देते हैं और फिर जो तैयार होता है वो हम खाते हैं पूरन पोली के साथ में। तो एक दिन मैं आपको उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है।